दुनिया भर की मुस्लिम महिलाओं ने किया ऐलान, हिजाब नहीं पहनेंगे, रोक सको तो रोको। महिलाओं ने कटवाए बाल, बुरखे को हटवाया। योगी मोदी भी ले सकते हैं बड़ा फैसला। भारत में ना घूंघट होगा और ना ही हिजाब। सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है बड़ा फैसला। दुनिया के मुस्लिम देश भारत को सिखाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन आज जो तस्वीरें आपको हम दिखाने वाले हैं उससे साफ हो जाएगा कि ऐसी सोच के अंत का समय आ गया है जिसमें इस्लाम में महिलाएं गुलाम होती हैं। ईरान से लेकर दुबई तक और दुबई से लेकर अफ्रीका तक बुरखे का विरोध हो रहा है, लेकिन ईरान से आई तस्वीरों ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को भी बल दे दिया है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। पहली तस्वीर है महिला खुद से बाल काट काट कर उन ठेकेदारों को ललकार रही है जो इस्लाम में महिलाओं को गुलाम समझते हैं। दूसरी तस्वीर है महिलाओं की बुरखे को आग लगाने वाली। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान में हालात क्या हैं। अब सवाल ये कि आखिर ईरान में ऐसा हुआ क्या कि वहाँ की महिलाएं बुरखे की पाबंदी को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती हैं। चार दशक से ईरान में ये नियम चल रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनना जरूरी है, बावजूद उसके महिलाएं बिना हिजाब के सड़कों पर उतर रही हैं और वो हिजाब उतार उतार कर फेंक रही हैं। जबकि कर्नाटक में जब कुछ स्कूली छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल में पढ़ने की मांग कर रही थी तो उसे इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया गया। ईरान की मीडिया तो उसे बड़ा चढ़ाकर दिखा रही थी, जबकि अपने ही देश में एक बड़ा तबका विरोध पर उतर आया तो वहाँ की मीडिया ने मुंह पर टेप लगा ली। अब ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब भी भारत के खिलाफ ट्विटर पर कोई ट्रेंड चलता है तो उसके जिम्मेदार यहीं के लोग होते हैं। नुपुर शर्मा वाले केस में जुबेर का नाम आया, अर्शदीप वाले केस में पाकिस्तान का नाम आया और तुर्की से लेकर कई देश भारत विरोधी एजेंडा चलाते पकड़े गए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ऐसे तो स्कूलों में लोग धोती पहनकर आने को कहेंगे तो क्या होगा, फिर तो ड्रेस कोड का कोई पालन ही नहीं करेगा। लेकिन ऐसे लोगों को अपने एजेंडे से मतलब है। तुर्की और मिस्र जैसे देशों में हिजाब पहनने पर ही बैन है, जबकि ईरान में अब इसकी मांग उठने लगी है। भारत में तीन तलाक की तरह इस पर भी फैसला हो सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सुधांशु धूलिया की टिप्पणी ये इशारा करती है कि हिजाब बैन हो सकता है। स्कूलों में ड्रेस कोड पहले से ही लागू है, लेकिन तिलक और पगड़ी का हवाला देकर हिजाब की बात हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि हिजाब की तुलना आप तिलक और पगड़ी से नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में हिजाब का मुद्दा इतना हो गया है भगवा शोल ओढ़कर स्कूल आने लगी हैं, लेकिन ये किसी भी विवाद का अंत नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक को ये जरूर देखना चाहिए कि हिजाब का कोई धार्मिक कनेक्शन है या फिर तीन तलाक की तरह ये भी सिर्फ परंपरा है। यही वो आधार होगा जिस पर आने वाले दिनों में फैसला आ सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि ईरान वाले विवाद का हवाला अब कोर्ट में भी दिया जा सकता है। एक मुस्लिम देश में इस तरह का विरोध हिजाब का समर्थन करने वालों के दावे को कमजोर करता है। आपकी इस पर क्या राय है हमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।